वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो इंडियन फुटबॉलिंग सर्किट में चल रही कुछ लेटेस्ट खबरों पर है ये वीडियो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस बात करेंगे AFC वुमेन्स एशियन कप के बारे में, जिसे इंडिया होस्ट करेगी नेक्स्ट ईयर, और इसकी डेट्स आउट हो चुकी है। तो January 20, 2022 से February 6, 2022 के बीच में खेला जाएगा ये कॉम्पिटिशन। तो होस्ट कंट्री तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया है। अब बात करेंगे वेन्यूज़ के बारे में। तो DY पाटिल स्टेडियम, मुंबई फुटबॉल अरीना, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालीवाड़ी, ये है इस कॉम्पिटिशन के वेन्यूज़। अब गाइस बात करेंगे हैदराबाद FC के बारे में। तो एज़ पर ट्रांसफर मार्केट इंडिया, हैदराबाद FC ने ऑफिशियली कंप्लीट कर दी है प्रोलिफिक नाइजीरियन स्ट्राइकर बार्थोलोमियो उगबेची की साइनिंग। सिंपली बोलूं तो नेक्स्ट सीजन हैदराबाद FC के लिए खेलेंगे बार्थोलोमियो उगबेची। तो अभी तक इंडियन सुपर लीग में इंक्लूडिंग प्ले ऑफ्स बार्थोलोमियो उगबेची 57 गेम्स खेल चुके हैं, जहां पर उन्होंने 34 गोल्स और 6 असिस्ट्स प्रोवाइड किए हैं। 25 साल के सेंटर बैक सलाम रंजन सिंह ने ऑफिशियली साइन कर लिया है चेन्नईन FC के साथ। इसके बाद बढ़ेंगे बेंगलुरु FC की ओर। तो 29 साल के सेंटर बैक योरोंडू मुसावा किंग ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट पेन डाउन किया है बेंगलुरु FC की टीम के साथ, जो कि उन्हें क्लब में रखेगा अप टिल 2023। और फिर बात करेंगे रूडी जेस्टरडे के बारे में। तो एज़ पर ट्रांसफर मार्केट इंडिया, बेंगलुरु FC ने साइन कर लिया है 32-year-old स्ट्राइकर रूडी जेस्टरडे को ऑस्ट्रेलियन क्लब मेलबर्न विक्ट्री से। तो रूडी जेस्टरडे के पास कई इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस भी है, जहां पर इनके नाम है 51 गेम्स इन प्रीमियर लीग और इन्होंने 6 गोल्स भी मारे हैं प्रीमियर लीग में। साथ ही साथ इंग्लिश फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर के सेकेंड डिवीजन का भी इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जहां पर 178 गेम्स इनके नाम और 48 गोल्स और 18 असिस्ट्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इंग्लिश सेकेंड डिवीजन में भी एक वर्सेटाइल अटैकिंग प्लेयर है रूडी जेस्टरडे गाइस, एज अ सेंटर फॉरवर्ड, सेकेंड स्ट्राइकर, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर, मतलब अटैक में तमाम पोजिशनों पर खेल सकते हैं। प्राइमरली एक सेंटर फॉरवर्ड है, पर जो BFC के कोच है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्हें अटैक में कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो क्या बेंगलुरु FC को फाइनली मीकू की एक आइडियल रिप्लेसमेंट मिल गई है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब गाइस बात करेंगे FC कप ग्रुप D के बारे में। तो सबसे पहले तो ये वही ग्रुप है जहाँ पर ATK मोहन बगान है, और अगर बेंगलुरु FC भी क्वालिफाई करती है ग्रुप स्टेजेस के लिए AFC कप में, तो वो भी इसी ग्रुप में आएगी। तो सबसे पहले तो गाइस खबरें ये चल रही थी कि AFC माइट कैंसल ग्रुप D क्योंकि सूटेबल होस्ट नहीं मिल रहा था AFC को, पर अब एज पर खेलनाओं एक अच्छी खबर है AFC कप ग्रुप D की टीम्स और उनके फैंस के लिए कि बांग्लादेशी क्लब है जो गाइस वसुंधरा किंग्स, उन्होंने बिड किया है टू होस्ट द मैचेस ऑफ ग्रुप D, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर ग्रुप D कैंसिल कर दिया जाता तो सारी टीम से यहीं से बाहर हो जाती, इन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। AFC ने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, बट आई होप कि AFC अलाउ करे वसुंधरा किंग्स को कि वे होस्ट करे ग्रुप D के मैचेस को, ताकि हमें हमारी टीम्स, खासकर कि इंडिया की टीम्स ATK मोहन बगान और बेंगलुरु FC खेलते हुए दिखाई दे इस टूर्नामेंट में। तो गाइस दैट्स इट विद द वीडियो, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।